कक्षा 6 चैप्टर 5 पुरा काले एकस्मिन् सरोवरे द्वय हंसौ निवसतः स्म। एक समय, बहुत पुराने समय की बात है कि किसी सरोवर में दो हंस निवास करते थे। तयो प्रगारा मैत्री आसीत, दोनों के बीच में घनिष्ठता ज़्यादा थी। तयो मित्रम एका कुर्मा अपि आसीत, उन दोनों का मित्र कछुआ था। सौ अपि तत्रैव प्रतिबसति स्म, वहाँ एक कछुआ भी था। इस प्रकार अथ एकदा कचेन मत्स्य का तत्र आगच्छन्, एक बार कुछ मछुआरे वहाँ आए और बोले। क्या बोले? वयम स्वः मत्स्य कुर्मादीन ग्रहिष्याम। उसने बोला कि कल हम मछली कछुए आदि को पकड़ेंगे। ठीक है, कुर्मह अवदत, कछुए ने कहा, मित्रे किम युवाभ्याम मत्स्य कानाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी? अधुना अहम किम करवानी, अधुना कहते हैं कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, अब मैं क्या करूं? हंसो अवताम, दोनों हंस ने कहा, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, जो उचित समझो वह करो। ठीक है, कुर्मह अवदत, कछुआ ने कहा, मैवम तद यथा अहम अन्यम हदम गच्छेभ्यम तदा कुरुतम। ऐसा नहीं, मैं दूसरे तालाब को जाऊं वैसा उपाय करो। ठीक है, हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने कहा कि आवाम किम करता करवाव, अब हम लोग क्या करें। ठीक है, तो कुर्मा अवदत, कछुए ने कहा कि अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि, यानी मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा व्यक्त करता हूँ। हंसौ अवदताम, दोनों हंस ने कहा, अत्र कह उपाय। अब कौन उपाय है इसका? तो कुर्मह अवत, कछुए ने कहा, युवाम एकम काष्ठ दंडम चच्चा धार्यताम, अर्थात उसने कहा कि तुम दोनों लकड़ी के एक टुकड़े को चोंच में पकड़ो। ठीक है, अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंब्य युवाभ्याम पक्षवलेन सुखेन गमिष्यामि। ठीक है, मैं लकड़ी के बीच में लटक कर तुम्हारे पंखों के बल से आराम से चला जाऊंगा। हंसौ अकथयाम, दोनों हंस ने कहा, संभवति ईशा उपाय, हाँ यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायोपि
वर्तते। ठीक है, किंतु यहाँ एक खतरा भी है। क्या खतरा है? तो आवाभ्याम नियमान त्वामवलोक्य जना किंचिद बदिष्यन्ति एव। ले जाते समय यदि तुम कुछ बोल दिए, यदि तत्व उत्तरम दस्यसि, यदि तुम उसका उत्तर दिए, तदैव तब मरणम निश्चितम, तब तो तुम्हारा मरण निश्चित है। अतः त्वयम् अत्रैव वस, इसलिए बेहतर है कि तुम यहीं रहो। ए तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मा अवदत्, गुस्से में आके कछुए ने कहा कि की महामूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर मैं नहीं दूंगा। हैं, किंचित अपि न बदिष्यामि, कभी किसी भी तरह मैं नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा उक्तवान तथा युवाम कुर्तुम, हैं, इसलिए तुम मेरे लिए कोई उपाय करो। एव कृते काष्ठदण्डे लंबमान कुर्मः दृष्ट्वा गोपालका पश्चात अधावन अवदन च हमहो। अर्थात ऐसा करने पर लकड़ी पर लटके कछुए को देखकर ग्वाले पीछे दौड़े और बोले, महदाश्चर्यम घोर आश्चर्य हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड्यते, हंसों के बीच कछुआ उड़ रहा है। किंचित अवत, किसी ने कहा, यद्यम कुर्मम कथमपि निपति, हैं, किसी ने कहा कि यदि किसी प्रकार कछुआ नीचे गिरता है तो यही पकड़ कर खाऊंगा। ठीक है, कुर्मोपि उड्यते किंचित अवदत, अद्यम कुर्मा कथमपि निपति, तू अत्रैव पक्वा खादिष्यामि। अपरः अभवत्, सरस्तीरे दग्धा खादिष्यामि। ठीक है, इसके बाद उसने क्या कहा कि उनकी ऐसी बातें सुनकर कछुआ मित्रों को दिए वचन को भूलकर गुस्से में बोला। अन्य अकथयत घृतम नीत्वा भक्ष्यामि इति, और तेषाम एतादृश्वा वार्ता श्रुत्वा कुर्म मित्राभ्याम दते वचनम विस्मृतस्य कोपनेम अभवत्। जब अपनी हिंता की बात सुना तो कछुआ क्रोध में आ गया और बोला, यूजम भस्म खादतः, यूजम भस्म खाओगे, क्या कहा कि तुम राख खाओ। ठीक है, इति बदनेव कुर्मः आकाशात पतितः गोपालकै मारितश्च। ऐसा बोलते हुए ही कछुआ आकाश से गिर गया और ग्वालों ने मार दिया। अत एकोक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हितकामनाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कुर्म इव दुर्गंधि काष्ठात भ्रष्ट विनश्यति, कि मित्रों के हितकारी बातों को जो नहीं मानता है वह दुर्बुद्धि कछुए की तरह लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है।